जय सियाराम। नागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरु दरबार की, अपने अपने बताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की। लगभग 10 लाख लोगों के भीड़ के बीच में यहाँ पे 125 वर वधुओं का जो है जयमाला कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पे वागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री जी आने वाले हैं। देखिए कितना प्रॉपर तरीके से व्यवस्था किया गया है इन सभी जोड़ों के लिए। कल रात तक ये पता था कि लगभग 47 आइटम जो है प्रत्येक जोड़ों को दिया जाएगा, लेकिन अभी सुबह में ऐसा पता चला है कि लगभग 70 आइटम सभी जोड़ों को दिया जाएगा। और सभी लोग जो है यहाँ पे लाइन से बैठे हुए हैं, और इनमें से 99% लोग जो हैं वो साधारण परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनकी शादी जो है महाराज जी के आशीर्वाद के वजह से जो है वो संभव हो पाया है। वैसे लोग हैं जिनके माता पिता सक्षम नहीं हैं, जो अपने बच्चों का शादी जो है नहीं कर पाते, वैसे लोग यहाँ पे बैठे हैं। और अच्छे ढंग से इनकी शादी जो है यहाँ पे संपन्न हुई है। और पीछे जो है सीताराम जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे अभी थोड़ी देर में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आने वाले हैं। और यहाँ पे आप पीछे देखिए, पूरा पंडाल जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक भक्तगण ही आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट था, वर वधू और सब लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, वर वधू, पूरा व्यवस्था प्रॉपर तरीके से व्यवस्था किया गया है। और ये कुछ परिजन हैं, वर वधू के परिजन हैं, यहाँ पे पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। और जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिखाई देगा। कहाँ से आई हैं आप? हम यूपी से, यूपी फतेहपुर से। हाँ, फतेहपुर। चलिए ठीक है। और देखिए ये सभी जो है भक्तगण आए हुए हैं, और अलग अलग सेक्शन में इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है कि किसी भी प्रकार का दिक्कत जो है किसी को ना हो। थोड़ी देर पहले यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, और देखिए यहाँ पे क्या आप कहना चाहते हैं? सब बढ़िया है, अच्छी तरह से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लगभग 10 लाख लोगों का भीड़ जो है आज यहाँ पे आया था। क्या नाम हुआ आपका? सतेन ठाकुर सर। अच्छा, कितने दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? 10 दिन से हैं सर यहाँ हम लोग। 10 दिन से? जी सर। 12 तारीख से आ गए थे हम लोग, तो तब से यहीं पे दे रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम लोग सागर के पास, कर्रापुर, सागर से समंडल के उसमें सानिध्य में आए हम लोग। चलिए ठीक है। और देखिए जहाँ तक नजर जाएगा वहाँ तक लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक ये सभी भक्तगण आए हैं, सभी के सभी लोग हैं, और यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था है। और कुछ लोग जो है हमें भी पहचानते हैं यहाँ पे। और सामने जो मंच है वहाँ पे 125 वर वधू हैं। और देखिए ध्यान से अलग अलग गैलरी बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार का समस्या किसी को ना हो। और क्या नाम हुआ आपका? अतुल। अच्छा अतुल जी, कितने दिन से आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ये शादी अच्छे ढंग से संपन्न हो इसके लिए? मुझे लगभग 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए जी। अच्छा, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुआ ना? कोई समस्या नहीं, नहीं उत्पन्न। अच्छे तरीके से सेवा चल रही है हमारी, अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कन्याओं का आशीर्वाद दिया। हाँ, कन्याओं को आशीर्वाद दिया। हाँ, उनकी मंगल कामनाओं की मंगल कामना की है। हाँ, और सबको एक साथ रहने की जो योजना बनाई है, जो हिंदू राष्ट्र का है, उसके लिए भी सबको प्रेरित किया है कि हाँ वो लोग एक हो जावें। सब लोग जी एक हो जावें। अब जो 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 ये जात वर्ग बटा हुआ है, ये जात वर्ग ना बट करके सब लोग एक हो जावें। जो अभी क्रिश्चियन लोग अलग हो गए, मुसलमान अलग हो गए, ये अलग नहीं है, हमारे ही भाई हैं। इन लोग को एक होना है, तो हम लोग को अब जात विवाद नहीं देखना है, हम लोग को गले मिला के इन लोग को एक साथ में रहना है जी। तो आप गले मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ नेता अगर इसमें जहर घोलेंगे और वो मिलना नहीं चाहेंगे तब क्या करेंगे? हम उनका विरोध करेंगे। हाँ, हम उनका विरोध, खुलेआम विरोध करेंगे। अच्छा, उनका खुलेआम विरोध करेंगे हम लोग, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र एक दिन बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। बहुत जल्द, बाबा जी का आशीर्वाद है, बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनेगा, और पूरे मजबूती के साथ हिंदू राष्ट्र बनेगा। बोलिए जय श्री राम। जय
चलिए अब चलते हैं मंच के पास, जहाँ पे 125 कन्याओं का जो है आज शादी हो रहा है, और ये सभी शादी इस वजह से संपन्न हो पाया है कि कहीं नहीं तो कहीं जो है इसमें जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का जो है बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनका अथक प्रयास नहीं होता तो शायद जो है आज यहाँ पे जितनी भी वरवधू, जितनी भी कन्याएं बैठी हुई हैं, जितने भी लड़के बैठे हुए हैं, उनका शादी विवाह जो है वो संपन्न नहीं हो पाता। अवसर पर जब हम सभी के परिश्रम से बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे आ चुके हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 125 बेटियों के पिता हैं और उनको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन्हीं के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है, 125 कन्याओं का शादी जो है वो संभव हो पाया है। अगर वो प्रयास नहीं किए होते तो शायद जो है यहाँ पे 125 जोड़े के चेहरे पे जो वो खुशियाँ दिख रही हैं वो शायद नहीं दिखती। तो ऐसे अनेकों साधु महात्मा को, समाज सेवियों को आगे आना होगा, तब जाके शायद जो है उन सभी कन्याओं का विवाह संपन्न हो पाएगा जिसके माता पिता सक्षम नहीं होते हैं, और जो मतलब कि किसी कारणवश अपनी बच्चियों का शादी करने में असमर्थ होते हैं। तो वैसे लोगों के लिए जो है ऐसे ऐसे महाराज जी आगे आते हैं, और देखिए कहीं नहीं तो कहीं इनके अथक प्रयास के वजह से ही ये संभव हो पाया है, 125 कन्याओं का, वरवधुओं का शादी। और उसके बावजूद भी इनके ऊपर अनेकों सवाल खड़े किए जाते हैं, और देखिए अलग अलग जगहों से ये सारी कन्याएं आई हैं यहाँ पे सभी, और सबके घर का कंडीशन जांचा गया है गाड़ियों से, और 8000 किलोमीटर लगभग गाड़ियाँ चली हैं, सबके घर गई हैं बागेश्वर धाम की गाड़ियाँ, सबके बारे में जानकारी इकट्ठा किया गया है, मतलब कि जो भी यहाँ पे वर हैं वधु हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि किसी गलत लड़के का या किसी गलत लड़की का शादी हो गया, जैसे किसी का पहले से शादी हुआ रहता है और वैसे लोग भी यहाँ पे शामिल हो जाते, तो ऐसा उसके लिए जो है 8000 किलोमीटर प्रॉपर बागेश्वर धाम की गाड़ी चली है, और सभी से अभी जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी मिल रहे हैं, देखिए सभी से मिल रहे हैं, और उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। यहाँ पे एक बेटी का शादी करने में ना जाने बाप का कितनी बार पगड़ी जो है वो गिरवी रखना पड़ता है, और 125 बेटियों का शादी तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो है यहाँ पे बड़ी आसानी से कर रहे हैं, और अगर जो है इनको इसी प्रकार से समर्थन मिलता रहा तो शायद जो है भविष्य में और भी कन्याओं का और लड़कों का जो है आसानी से जो है वो शादी होगा, और सभी के गले में जो है बागेश्वर धाम का जो है एक पट्टा है, आप देख सकते हैं, और उस पे जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का फोटो है, सभी के हाथ में जो कन्याओं को जयमाला के समय में जो जो चीज़ें दिया जाता है वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कमाल की बात है कि इनके हाथों में जो है रामचरित्र मानस भी है, देख सकते हैं, और सभी के हाथों में, ऐसा नहीं है कि एक के हाथों में है, सबके हाथों में रामचरित्र मानस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एक फोटो है जिस पे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हैं, बागेश्वर धाम हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के गुरु जी हैं, और साथ ही साथ सीताराम मतलब कि राम दरबार है वहाँ पे, आप देख सकते हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी अभी बैठे हुए हैं वहाँ पे नीचे, देखिए आप ध्यान से, और आशीर्वाद शुभकामना देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं वो, और सबसे मिलेंगे, और मिलने के बाद से जो है फिर जो शादी का आगे का कार्यक्रम होगा वो शुरू होगा। यहाँ पे जयमाला हुआ है, और जयमाला के बाद जो
गुरु आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी जो है पीछे जो है संत महात्मा भी हैं, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, जूम कीजिए और दिखाइए, और उनको भी बुलाया गया है। और देखिए